Hello friends, this is Elima. Hope you're fine and welcome to our channel Dreamings. In our previous video, we have discussed about the introduction of child-centered and progressive education. Today, we'll be discussing about John Dewey's theory of progressive education. तो जैसे कि हमने अपनी पहले वीडियो में डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन को. प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जनरली होता क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन अपने बच्चों को हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे हैं रोट लर्निंग में, या फिर हम उन्हें प्रोग्रेसिव लर्निंग करा रहे हैं. प्रोग्रेसिव लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हम उन्हें प्रोजेक्ट्स देते हैं, एक्टिविटीज़ देते हैं, जिससे उनका क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उनका इंक्रीज होता है और जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है वो खुद से कुछ एक्सपीरियंस करते हैं. राइट, उन्हें कोई भी हम टॉपिक दे दें, कोई भी हम एक्टिविटी दे दें, कोई साइंस का टॉपिक रहेगा. राइट, तो अगर हम हिस्ट्री का भी दे सकते हैं, हिस्ट्री में हम दे सकते हैं कोई वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर दे दिया, तो उन्हें हम कुछ टॉपिक्स खुद से लिखने के लिए बोलेंगे, यानी कि कुछ कलेक्ट करके इंटरनेट से कुछ कलेक्ट करेंगे, कुछ बुक्स से कलेक्ट करेंगे. इस तरह से कुछ हम प्रोजेक्ट्स करने के लिए उन्हें दे सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग के ज़रिए हम दे सकते हैं. इन सब के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा. तो डेफिनेशन जनरली प्रोग्रेसिव एजुकेशन का है कि लर्निंग बाय डूइंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जिससे कि अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये इंक्रीज होता है, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें सीखते हैं. राइट, बच्चे जब मतलब बिल्कुल इन्फेंसी से लेकर के चलते हैं, तो इन्फेंसी में जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वहाँ पर लैंग्वेज किस तरह कैसे सीखते हैं, वो लैंग्वेज अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके वो सीखते हैं, इमिटेशन करते हैं. राइट, इन सब जो ये सब जो चीज़ें हैं ये किस लिए होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है. वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे गेन करते हैं, उससे उन्हें क्या होता है, उनका जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करता है. राइट, तो इसी तरीके से अपना प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्लासरूम्स में. तो जॉन डीवे जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिन्होंने पहले इस टर्म को यूज़ किया था, तो जॉन डीवे ने अपना जो थ्योरी दिया था, थ्योरी में वैसा कुछ है नहीं, एक सिंपल सी चीज़ें हैं बहुत. तो इस थ्योरी में उन्होंने इम्पोर्टेंस किसे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने रिलेशनशिप्स को दिया, जो कि अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट्स में होता है या फिर अपने स्कूल में होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता है. तो ये जो रिलेशनशिप है किन के बीच में होता है, क्लासरूम में जनरली पीयर ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं और टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है. तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं इसमें बहुत सारे जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, अपना जो अटेंशन है हम उन्हें अटेंशन दे रहे हैं, उन्हें केयर दे रहे हैं, अफेक्शन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उन्हें जो इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशंस भी वो गेन कर रहे हैं, वो खुद में वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. राइट, अपनी प्रैक्टिकलिटी वो बढ़ा रहे हैं हमारे साथ इन्वॉल्व होकर, हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करके. हम उन्हें कोई एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद जो भी वो एक्सपीरियंस लेते हैं उसमें से वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं. उससे क्या होता है, अगर कोई गलती हुई या फिर कोई भी उनका जो भी एक्सपीरियंस है हम उसे एलैबोरेटली कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो इससे होता है उनका जो नेचर वो सोशल ज़्यादा होता है, वो लोगों के साथ यानी कि अपने टीचर्स के साथ फ्रैंक होते हैं. फ्रैंक मतलब फ्रेंडली बिहेवियर. राइट, उन्हें एक फैमिली की तरह एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी क्लासरूम में, जिससे कि उनके अंदर एक ट्रस्ट पैदा हो रहा है अपनी टीचर्स के लिए. वो अपने ही फैमिली की तरह अपनी क्लासरूम को देखते हैं, हम भी उन्हें उसी तरह से केयर देंगे. राइट, तो रिलेशनशिप्स जो हैं अपनी क्लासरूम में वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे, और रखता भी है. फिर उन्होंने क्या कहा, जो चाइल्ड का हेड इन द सेंस ब्रेन है, मतलब कि वो जो सोच रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस चीज़ में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो बिल्कुल मैटर करता है एक टीचर के लिए या फिर कोई भी एक गाइड के लिए या फिर हमारी जो फैमिली है वहाँ, अपनी सोसाइटी है वहाँ, सबके लिए उनका जो ब्रेन है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है,
जो उन्हें अच्छा लगता है करने के लिए, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, जैसा एक डायलॉग है, अगर चोर क्या करना चाहता है ये जानना चाहिए, ये जानना है तो चोर की तरह सोचना पड़ता है, राइट? ऑन लाइटर नोट, तो इसी तरीके से हमें भी चाइल्ड के दिमाग में क्या चल रहा है अगर वो जानना है तो उसी की तरह सोचना पड़ेगा। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझने के लिए उनके नज़रिए से हमें देखना पड़ेगा, राइट? तो इसी तरीके से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ, अपनी चिल्ड्रन के साथ, अपनी क्लासरूम में। और उनका जो हेड है, हेड मतलब कि जो ब्रेन है उनका, उनका जो आइडियाज़ है, वो जो हमें सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, और उनके जो न्यू आइडियाज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं किसी भी चीज़ पर, उनके जो स्कीमाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और हार्ट, हार्ट यानी कि हम उन्हें कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, बहुत हार्श पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या क्रिएट होगा? उनके दिलो दिमाग में सिर्फ यही क्रिएट होगा कि टीचर हमें पनिश कर रहे हैं, टीचर हमें अटेंशन नहीं देते, या फिर टीचर हमें पढ़ा नहीं रहे ठीक से, टीचर सिर्फ हमें पनिशमेंट ही दे रहे हैं, होमवर्क्स करा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें लेबर दे रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी उनके दिमाग में आ जाता है, ये बहुत बुरा असर डालता है उनके स्टडीज़ में, उनके लर्निंग में, राइट? तो चिल्ड्रन का जो हेड और जो हार्ट है शुड बी टेक केयर ऑफ। और उन्होंने क्या कहा था, शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। तो टीचर सेंट्रिक, जैसा कि हमने इस तरीके से एक डायग्राम में कहा था, राइट, जहाँ पे टीचर अपना जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो अपना नॉलेज है ये स्टूडेंट को देता है, राइट, अपना जो नॉलेज है ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल वे में, यानी कि जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग के हिसाब से टीचर्स क्या करते हैं, थियोरिटिकल नॉलेज स्टूडेंट्स पर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो रट्टा मारकर एग्ज़ाम देते हैं और पास करते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। पर वो क्या करता है, जनरली वो सिर्फ अपना जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें सेव होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होता, और वो चीज़ वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए हम जितना चाइल्ड सेंट्रिक होंगे, टीचर सेंट्रिक से हटकर चाइल्ड सेंट्रिक होंगे, चिल्ड्रन के दिमाग को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा और उनके लिए भी अच्छा काम करेगा। तो ड्यूवे ने 5 एस्पेक्ट्स दिए थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, तो देखते हैं वो क्या है। पहला एजुकेशन, सेकेंड इज स्कूल, करिकुलम, मेथड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्रेस। तो एजुकेशन, जनरली एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो दो टाइप के हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल, राइट? साइकोलॉजिकल यानी कि ब्रेन की स्टडी करना, हम ब्रेन की इन द सेंस उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनका किस सिचुएशन में वो किस तरह से सोचते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चिल्ड्रेन किस सिचुएशन में क्या सोच रहे होते हैं ये हम कुछ कुछ समझ सकते हैं उनके नज़रिए से देख के। तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल जो स्टडी होता है ये हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी होता है, जिसके कारण ही हम यहाँ पे आज CDP पढ़ रहे हैं। फिर आता है सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल यानी कि उनका जो सोशल बिहेवियर है उसे हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसमें अपने सोसाइटी के साथ काफ़ी अच्छी तरह ढल सके, सोशल नेचर उनमें डेवलप हो सके, सोसाइटी में अपना जो नॉर्म्स है, जो रेगुलेशंस है, जो हमें मेंटेन करके चलना है आगे भी, उस सब को हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एजुकेशनल प्रोसेस में हम जनरली बच्चों के साइकोलॉजी को समझते हैं, फिर अपना जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसे भी समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। फिर डीवे ने क्या कहा कि वन कैनॉट लर्न विदाउट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बिना कोई भी बच्चा स्टडी नहीं कर पाएगा, हमें
हम अपनी क्लासेस में करते क्या हैं अपने स्कूल्स में, अपने बच्चों को सिर्फ हम अपने टॉपिक्स नहीं समझाते, उसके साथ साथ हम उसके जो प्रैक्टिकल, हम उसे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी उन्हें समझाते हैं, ताकि वो उसी चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। और जो मोटिवेशन है हम उन्हें देने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम इस तरह से पढ़ोगे तो तुम अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, अपनी फैमिली का नाम आप रोशन कर पाओगे, राइट। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत मोटिवेशन उन्हें देते रहते हैं, जिनसे कि वो मोटिवेट होते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो स्टडीज़ में हो चाहे वो किसी और एक्टिविटीज़ में हो, राइट। किसी भी एक्टिविटी में जो उन्हें अच्छा लगता है हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें वो इंटरेस्ट देते हैं, राइट, स्टडीज़ में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क्स में भी। फिर हम आते हैं स्कूल में। स्कूल मतलब जनरली अपना जो मोरल एजुकेशन है उसे हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं बच्चों के, राइट। जो मोरल एजुकेशन यानी कि जो वैल्यूज़ हैं, आजकल ज़्यादातर वैल्यू क्राइसिस देखने को मिलते हैं, हर जगह पे देखने को मिलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे मीडिया हो चाहे कहीं भी, आपको वैल्यू क्राइसिस हमेशा देखने को मिलती है। आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, राइट, वो सब बिल्कुल होता है वैल्यू क्राइसिस की वजह से। तो जो वैल्यू क्राइसिस है अगर उसे हम मैनेज करना शुरू करें, यानी कि जो बच्चे हैं हमारे, जो फ्यूचर हैं अपने कंट्री का, उन्हें अगर हम वैल्यूज़ के बारे में अच्छी तरह से ट्रेनिंग दें, हर दिन हम स्टडीज़ के बारे में अपनी जो भी बुक्स में जो स्टडीज़ हैं वही सिर्फ कराते रहें चलेगा, पर वीकली एटलीस्ट वन डे हमें एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क्स पे भी ध्यान देना चाहिए, अपना जो एथिकल इम्प्रूवमेंट है और जो मोरल एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए बच्चों का, राइट। सिर्फ वो टॉपिक्स ही पढ़ें और उसी को इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट ना करें उसे कुछ नहीं होने वाला, उसे तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे ही, जो चीज़ें वो जानते हैं वो हमेशा से वो इम्प्लीमेंट करेंगे ही, पर जो मोरल एजुकेशन है वो हमें अपनी सोसाइटी में बने रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें अपनी जो बच्चों की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े होते जाते हैं, अपना जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है उसके अंदर जब वो बड़े होते जाते हैं उनके अंदर वैल्यू क्राइसिस दिखना शुरू हो जाता है, जनरली एट एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एज में ये जो वैल्यू क्राइसिस है ये पीक पर हो जाता है, राइट। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे फैमिली में हो या फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हम अपना जो मोरल एंड एथिकल वैल्यू एजुकेशन है उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, राइट, कुछ रैलीज कर सकते हैं जिनके उनके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो क्रिएट करेगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं करिकुलम। करिकुलम यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, हम किस तरीके से इम्प्रूव करते आए हैं। हम अगर एंशियंट पीरियड से देखते आए मॉडर्न पर, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस के बारे में अगर देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा वास्ट तरीके से इम्प्रूव करता जा रहा है, डेवलप करता जा रहा है। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट करता है, अपने करिकुलम में हम उसी तरीके के चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अपना करिकुलम कुछ इस तरह से होना चाहिए जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, फिजिकली हो या फिर अपना जो एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट वो किस तरह से हो रहा है। इस करिकुलम में हमारे जो स्कूल का करिकुलम है वो सिर्फ अपना थियोरिटिकल पार्ट्स पे नहीं चलना चाहिए, उन्हें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दिया जाए, उन्हें काफ़ी सारे जो एनवायरनमेंट है उसे हम दिखाएं, उन्हें टूर पर लेके जाए, राइट। ज़्यादातर ये नहीं हो पाता पॉसिबल, पर इस तरह का होना चाहिए करिकुलम अपना। और इस करिकुलम में जैसे कोई भी पार्शियलिटी किसी भी बच्चे पर ना हो, ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर अपना आ जाता है मेथड ऑफ एजुकेशन। मेथड ऑफ एजुकेशन जनरली अपना एजुकेशन किससे आता है, अपना इंटरेस्ट से। हम जिस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं उसी पे तो ज़्यादा काम करते हैं, राइट। अब देखिए कोई भी आप एग्जांपल ले ले, बच्चे को पढ़ने के लिए बोल दें या फिर यूट्यूब देखने के लिए बोल दें, वो क्या चूज़ करेगा? ओब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो यूट्यूब ही चूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर, क्योंकि हम स्टडी को इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे, राइट। तो हम
पढ़ाई को इस तरीके से बताएंगे उन्हें, हर एक चीज़ को अपनी ही एक्सपीरियंस के साथ उन्हें दिखाएं, उन्हीं के ही एक्सपीरियंस से दिखाएं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएं, तो उनके अंदर जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा स्टडीज़ के लिए। तो इसी तरीके से अपना जो मेथड ऑफ एजुकेशन होता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे एंड होता भी है, राइट। नेक्स्ट, सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस यानी कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोशल नेचर है अपना, वो हम अपनी जो मोरल एथिकल एजुकेशन है उसके हिसाब से उसे इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें बिहेवियर सिखा सकते हैं। अगर कोई बच्चा एक टीचर के साथ अगर मिसबिहेव करता है, मिसबिहेव यानी कि वो कुछ जवाब दे देता है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरह से देखते हैं, राइट, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उन्हें हमें सिखाना चाहिए, रेदर देन बीइंग एग्रेसिव उन्हें हमें सिखाना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, राइट। बिल्कुल हम काम तरीके से उन्हें अपने माँ बाप की तरीके से, अपनी गाइडन के तरीके से हम उन्हें सिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं करते। तो इसी तरीके से किसके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो सीखते हैं, उसका फाउंडेशन होता है स्कूल, राइट, जो कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एक फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट एजेंसी होता है, राइट। इसी एजेंसी में वो अपना जो मोरल एथिकल वैल्यूज़ सीखते हैं, स्टडीज़ तो सीखते ही हैं, फैमिली के अलावा स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। तो ये तो रहा जॉन डीवेज थियोरी ऑफ एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।